नमस्कार, मैं हूँ फिरोज हाशमी। मुंबई और पुणे में रेलवे स्टेशनों पर श्रमिकों की भीड़ उमड़ पड़ी है। उत्तर प्रदेश और बिहार के रहने वाले ये लोग जो महाराष्ट्र में मजदूरी करते हैं, वो वापस अपने गांव, अपने शहर, अपने घर लौटने की जुगत में हैं, या यूं कहें घर भागने की फिराक में हैं। मुंबई के कुर्ला टर्मिनस पर जो है रेलवे स्टेशनों पर इसका असर देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र सरकार ने जब से महाराष्ट्र में ऐलान किया है, दुकान, फैक्ट्री, जिम, इंडस्ट्री, मॉल, सिनेमा घर बंद करने की, उसी दौरान मजदूर अपने गांव के लिए प्लान कर चुके हैं। कुछ लोग तो जा चुके हैं, लेकिन कुछ लोग जो बचे खुचे थे, वो जो है कल रात से जो यूपी बिहार के लोग हैं, वो कल रात से जो ट्रेनों में जो भीड़ देखी गई, वो घर जाने के लिए कितनी मशक्कत कर रहे हैं, उसके बाद भी नहीं पहुंच पाए, भारी मात्रा में रेलवे स्टेशनों पर देखने को मिला। लोग किसी भी तरह से यूपी बिहार अपने गांव पहुंचना चाह रहे हैं, लेकिन स्टेशनों पर भारी तादाद होने के कारण फिलहाल गांव जाना काफी मुश्किल दिखाई दे रहा है। एक और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। गांव जाने की महामारी में एक शख्स पानी का ड्रम ही लेके जाते हुए दिखा। लोगों को यहां जाने की जगह नहीं है और ये महाशय ड्रम ही लेकर जाने पर मजबूर हैं। महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई, पुणे, पिंपरी, चिंचवाड़ और नागपुर को पूरी तरह से बंद कर दिया है। एक बात और हम आपको बता दें, विभिन्न संस्थानों को बंद करने के फैसले के बाद मुंबई थम सी गई है। मुंबई और पुणे में असंगठित क्षेत्र के हजारों मजदूरों ने तो प्लान कर चुके हैं और लाखों लोग ट्रेन पर नहीं चढ़ सके हैं। ऑटो रिक्शा और टैक्सी ड्राइवर भी रेलवे काउंटर पर अपने घर वापस जाने के लिए देखे गए, मगर महाराष्ट्र सरकार चार सूबे यानी चार शहरों को पूरी तरह से बंद कर दिया है। सिर्फ सब्जी और जो है दूध और किराने की दुकान जो है सिर्फ यही खुली मिलेगी आपको, और मेडिकल। एक और जहां सरकार ने कोविड-19 से बचने के लिए घरों के अंदर रहने की सलाह दी है, वही इन मजदूरों के घर वापसी के लिए इकट्ठा होने से स्वास्थ्य अधिकारियों को चिंता बढ़ा दी है। कुर्ला में बीएमसी के चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जितेंद्र जाधव ने बताया कि उन्हें शुक्रवार शाम लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर भारी भीड़ के बारे में सूचित किया गया था। उन्होंने कहा, रेलवे पुलिस को महामारी अधिनियम के तहत भीड़ को तितर बितर करना चाहिए था, यह हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। ऐसा लगता है कि इन तस्वीरों को देखकर लोग अपने मूल स्थानों पर लौटने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें डर है कि ट्रेन और बस बंद हो जाएगी और वे ऐसा होने से पहले शहर छोड़ना चाहते हैं। आज की जो हमारी ये खबर है, हम आपको बता रहे हैं जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार ने जो ऐलान किया, उसके बाद जो लोगों में भगदड़ मची है यूपी बिहार जाने की, लोग जो है काफ़ी मशक्कत कर रहे हैं। ये जो है वीडियो जो वायरल हो रही है, ये कुर्ला टर्मिनस की है, पुणे की है, बहुत सारे मतलब जो भी स्टेशन है मुंबई महाराष्ट्र की, वहाँ पर आपको जो है भीड़ देखने को मिल रहा है। जो यूपी बिहार के लोग हैं वो प्लान कर रहे हैं, लेकिन इस मशक्कत के बाद, इस ऐलान के बाद, महाराष्ट्र सरकार के ऐलान के बाद लोग, काफ़ी लोग जा चुके हैं यूपी बिहार, लेकिन इसी भीड़ के तहत कुछ लोग नहीं जा पाए हैं, जो आज भी मशक्कत कर रहे हैं, जिसकी वीडियो वायरल हो रहे हैं। और ये जो है कोरोना वायरस का डर उन्हें सता रहा है कि आखिर में जो है कहीं कोरोना वायरस जो है जो फैला हुआ है, जो काफ़ी जो है तादादें बढ़ती जा रही हैं कोरोना वायरस की, लगभग 250 लोग जो है पूरे देश में जो है इसके चपेट में हैं, और सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में जो है लोग कोरोना वायरस से पीड़ित हैं। तो ये थी आज की हमारी ये खबर जो है, जो लोगों में भगदड़ मची हुई है, जो लोग गांव जाना चाह रहे हैं लेकिन वो पहुंच नहीं पा रहे हैं, ट्रेनों में इतनी गर्दी जा रही, रस है इतनी कि वो चढ़ नहीं पा रहे हैं। और इसी के साथ समाज राजनीति से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए देखते रहे प्रहार टाइम्स। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।